मध्य प्रदेश के खरगोन में कचरा फैलाने वाले दुकानदारों की दादागिरी के चलते अतिक्रमण और कचरा हटाने गए नगरपालिका कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कहासुनी हो गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने उठाया लठ। अतिक्रमकों ने जमकर बवाल काटा, हाईवे पर सड़क तक जमाया सामान और फैलाया कचरा, फिर भी सीना जोरी। कचरा फैलाने वाले 6 व्यापारियों से 500-500 रुपए जुर्माना। जिला मुख्यालय पर 17 अगस्त को निकलने वाले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शिव डोले की तैयारियों का जायजा लेने निकले मुख्य नगरपालिका अधिकारी और टीम निकली। मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानों के सामने कचरा और अतिक्रमण मिला। कुछ दुकानों के सामने पॉलिथीन और अन्य कचरा पड़ा होने पर समझाइश देने पर दुकानदार उल्टा अधिकारियों पर ही भड़क गए और अपशब्द कहने लगे। मामला इतना बढ़ा कि स्वास्थ्य अधिकारी ने गुस्से में लठ तक उठा लिया। काफी देर तक गहमा गहमी होती रही। कचरा फैलाने वाले दुकानदार नगरपालिका कर्मचारियों और अधिकारियों से हुज्जत करते दिखे। नगरपालिका ने दुकान के सामने कचरा फैलाने वाले व्यापारियों को 500-500 रुपए का जुर्माना किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, शिवडोला जो है वो खरगोन नगर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और भगवान शंकर का जो डोला निकलता है उससे लगभग 2 से 3 लाख लोग जो है वो रहते हैं। पिछले सप्ताह कलेक्टर महोदय के साथ में हम लोगों ने नगर का भ्रमण किया था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में क्या व्यवस्थाएँ शेष रही है इसको लेकर हम जो है अपने स्टाफ के साथ में और जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ उनके साथ भ्रमण पर निकले थे और जो जो हमें कमियाँ दिख रही हैं उसको हमने 2 दिन निर्देश दिए। सीवरेज लाइन की बुरी हालत के कारण पूरा शहर की रोड है खराब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सीवरेज लाइन के कारण रोड खराब हुई है, लेकिन सीवरेज लाइन और जल प्रदाय की जो लाइनें हैं वो डाले जाना शहर की बहुत प्राथमिक आवश्यकताओं में है और निश्चित रूप से ये शहर को एक नया आयाम देगी। लेकिन चूंकि शिवडोला हमारे सामने है और उस समय पर सड़कों का रिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, इसलिए उन दोनों एजेंसियों को भी हमने आज साथ में रखा है और उनको निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ शिवडोले का मार्ग है वहाँ पर जो है वो तत्काल रिस्टोर कर दें। जैसा कि आप देखेंगे उन्होंने काम भी अपना चालू कर दिया। वहाँ पर हमें कुछ कमी या कसर लग रही है उसको भी हमने 2 दिन में ठीक करने के निर्देश दिए। निश्चित रूप से शिवडोला जो है वो ऐतिहासिक रूप से निकलेगा और हमारी व्यवस्था जो है उसे चालू जहाँ रिस्टोर करा वहाँ पर भी कई जगह पे 2-3 दिन से बैठ रहे हैं। जब देखिए बैठने का कारण ये है कि आप देख रहे हैं बारिश लगातार हो रही है और बारिश लगातार होने के कारण जो कॉन्क्रीट का कॉम्पेक्शन होना है वो लगातार हो नहीं रहा है और जिसके चलते वहाँ पर जो है बैठने की समस्या हुई। दूसरा ये है कि जो ट्रैफिक रुकना चाहिए उस जगह पर वो ट्रैफिक रुका नहीं है। आप समझते कॉन्क्रीट को सेटल होने के लिए कम से कम 5-6 दिन लगते हैं और हमारे सामने शिवडोले का जो है वो इसी स्थिति में हमने तय किया है कि अभी उसको मोटरेबल कर दिया जाए रास्ते को और फिर नए सड़क का निर्माण हम जो है शिवडोले के निकलने के बाद। एक क्वेश्चन सर, अव्यवस्था को चलते आप गुस्से में भी आ जाते तमाचा मारने की बात भी कही थी, आपने एक इंजीनियर को तमाचा मारने का भी कहा। देखिए वो एक आवेश वाली बात थी, उसका कृपया आप जो है मतलब मेरा स्टाफ है और उससे मैंने कुछ काम बताए हैं, यदि वो काम अपना ठीक से नहीं करेंगे, मेरा स्टाफ मेरे परिवार की तरह है, वो इंजीनियर जो है मेरा छोटा भाई है और उसके नाते बड़े भाई के नाते मेरा छोटा है, लेकिन मेरे मन कहने का आप जो है गलत पत्थर मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि व्यवस्था से संबंधित पता नहीं लोगों को निर्देश दिए हैं और यदि कोई चीज़ की पूर्ति नहीं होती है तो आवेश आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी आपकी मेरी मेरे स्टाफ की जनता के प्रति जवाब है, जनता के प्रति हम अपने दायित्व पूरा नहीं कर पाएंगे फिर हमारा काम करने का। हम कल ये शिवडोला मार्ग पे सड़क निरीक्षण के साथ साथ सफाई भी देख रहे थे तो कुछ लोगों द्वारा जैसे कचरा फेंका गया था तो उनको भी हिदायत दी है कि अपना कचरा स्वयं अपने कब्जे में रखें, अपने डस्टबिन में रखें। इसी प्रकार जब हम बावड़ी स्टैंड पे पहुँचे तो एक बोरा समाज की दुकान है उससे हम उसको भी हमने समझाया, उसका भी बहुत सारा कचरा बाहर पड़ा हुआ था उसको हमने समझा, लेकिन वो उत्तेजित होकर हमसे विवाद करने लगे। आपसे झूमा झटकी भी करने की कोशिश करी इसमें? हाँ, गाली गलौज तक उतर आई थी बात, फिर उन लोगों ने समझा और समझा के फिर उसको व्यवस्थित किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।